Good morning, children. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our second semester. First semester exam to ho gaya. Abhi humko second semester start karna hai. Now all of you take up your MSc test book, chapter number 8, page number 34. Chapter 8. Whose pencil is this? It was the first period. The class teacher came to the class. All the students stood up. First period में class teacher class में आ गया. सब students खड़ा हो गया. Good morning teacher. All of them said together. सब साथ में good morning बोला. Good morning children. Please sit down, said the teacher. All the children sat on their seats and the teacher began to take attendance. सब लोग अपने place में बैठ गया. Teacher attendance लेना शुरू हो गया. Meanwhile उसी time Jairaj stood up and said. जयराज स्टूड अप एंड सेड टीचर आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल. उसी टाइम जयराज जल्दी उठ के मिस को क्या बोला, टीचर आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल, मेरा पेंसिल गुम हो गया. डिड यू चेक योर बैग वेल, आस्क्ड द टीचर. अपने बैग अच्छे से चेक कर दिया. यस टीचर आई चेक्ड इट बट द पेंसिल इज नॉट देयर, सेड जयराज. जयराज बोला मैंने अच्छे से मेरे बैग में ढूंढा, उसमें नहीं मिल रहा. Jairaj says he has lost his pencil. Did anybody see it? Asks the teacher. Teacher सब क्लास में सब बच्चों को पूछा, Jairaj का पेंसिल गुम हो गया, कोई देखा? No teacher, they all answered. सब लोग बोला हमने नहीं देखा. Okay Jairaj, we will search for your pencil later, said the teacher. इसको पहले टीचर को पहले अटेंडेंस लेना है. टीचर ने बोला Okay Jairaj, we will search for your pencil later, said the teacher. Then she completed marking the attendance and wrote a few words on the blackboard. Miss ne completed kiya marking the attendance, then thoda few words board mein likh diya. All of you take down these words in your notebook, the teacher said. All of you take down these words in your notebook, the teacher said. टीचर सबको बोला आप लोग नोटबुक निकाल के वर्ड्स बुक में लिखो. द स्टूडेंट्स ओपन देयर बैग्स एंड टुक आउट देयर नोटबुक्स एंड पेंसिल. सब लोग अपने बैग खोल के नोटबुक और पेंसिल निकाला. द स्टूडेंट्स बिगन टू राइट. सब लोग लिखना स्टार्ट हो गया. टीचर दैट इज माई पेंसिल, सेड जयराज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पेंसिल विथ विच रोहित वॉज राइटिंग. जो पेंसिल से रोहित लिख रहा है वो दिखा के जयराज बोला, टीचर दैट इज माई पेंसिल, ये मेरा पेंसिल है. ऑल द स्टूडेंट्स टर्न्ड एंड लुक्ड एट रोहित हु वाज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच. रोहित लास्ट बेंच में बैठ के नोट में नोटबुक में लिख रहा था. सब लोग उसको देखा. रोहित इज दैट योर पेंसिल, आस्क्ड द टीचर. टीचर ने पूछा ये आपका पेंसिल है. रोहित डिड नॉट से एनीथिंग. रोहित कुछ नहीं बोला. ही लुक्ड डाउन, इसे नीचे देखा. Thief, thief, shouted the other student. बाकी सब बच्चे उसको क्या बोला, रोहित चोर है इसे बोला. The teacher told the students to be silent and again she asked Rohit. सबको बोला सब चुप हो जाओ. रोहित this is Jairaj's pencil, isn't it? ये तो जयराज का पेंसिल है ना. It is wrong to take somebody else's pencil without their permission. दूसरों का पेंसिल परमिशन के बिना यूज करना गलत है. दैट इज स्टीलिंग, चोरी है. टीचर आई डिडंट स्टील इट. रोहित ने क्या बोला, टीचर आई डिडंट स्टील इट, मैंने चोरी नहीं किया. इट वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, मुझे नीचे से मिला. आई डिडंट नो दैट इट वॉज जयराज पेंसिल, मुझे पता नहीं था ये जयराज का पेंसिल है. मेरे पास पेंसिल नहीं था इसलिए मैं नीचे से पेंसिल लिखा उसे यूज कर रहा था. टीचर आई डिडंट स्टील इट, it was lying on the ground, I didn't know that it was Jairaj's pencil. Yes teacher, the pencil was on the ground. Rohit did not take it from Jairaj's bag, said Kalpesh. Kalpesh ne bola yes teacher, the ye pencil Rohit ne chori nahi kiya, usko niche se mila. Yes teacher, the pencil was on the ground, niche se mila. Rohit did not take it from Jairaj's bag, said Kalpesh. Even if you did not take the pencil from Jairaj's bag, तुमने जयराज का बैग में से नहीं लिया होगा, फिर भी it is wrong
टू यूज़ इट सिंस इट इज़ नॉट यूर्स, ये तेरा पेंसिल नहीं है तो तू यूज़ नहीं करना चाहिए, तो गलत है। यू शुड नॉट यूज़ वाट इज़ नॉट यूर्स, सेड द टीचर, जो चीज़ तुम्हारे नहीं है तो यूज़ नहीं करना चाहिए। बट इट वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड सो इट इज़ नॉट स्टीलिंग, इंसिस्टेड कल्पेश। फिर भी कल्पेश मिस को बोला, मिस ये नीचे से मिला, बट इट वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड सो इट इज़ नॉट स्टीलिंग, फिर वो चोरी नहीं है ना, इंसिस्टेड कल्पेश। इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ नॉट स्टीलिंग, टीचर ने क्या बोला, सच है ये तो चोरी नहीं है, बट कीपिंग लॉस्ट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मीन्स थिंग्स और चीज ऑफ अदर्स फॉर आवर यूज इज ऑल्सो रॉन्ग। ये आपने नीचे से लिया इसलिए चोरी नहीं है, बट कीपिंग लॉस्ट आर्टिकल्स, दूसरों को चीज़ हमारे पास रखना तो रॉन्ग है। सो वी शुड नॉट टेक थिंग्स दैट आर लाइंग ऑन द ग्राउंड, आज द कल्पेश। कल्पेश टीचर को पूछा, कोई चीज़ हमको नीचे से मिला तो हम नहीं लेना ना, यू कैन टेक इट, टीचर ने क्या बोला, आपको ले सकते, एंड देन गिव इट टू द टीचर और द प्रिंसिपल, और टीचर और प्रिंसिपल को देना है। दे विल फाइंड द ओनर एंड गिव इट टू दम, उन लोग इसे ढूंढ के दे देंगे। इफ यू फाइंड समथिंग वैल्यूबल लाइक ए चेन और ए वॉच और मनी एट सम पब्लिक प्लेस, यू शुड गिव इट टू द लॉफुल अथॉरिटीज। आप लोग को कोई चीज़, महंगा चीज़ कोई नीचे से मिला, पब्लिक प्लेस में से मिला, आप लोग क्या करना चाहिए, अपने पास रखे यूज़ नहीं करना चाहिए, वो तो ऑफिस में आपको देना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज बी ऑनेस्ट इन आवर एक्टिविटीज, हमारे काम में हमेशा ईमानदार होना चाहिए, सेड द टीचर। नेवर यूज वाट इज नॉट यूर्स, आपका चीज़ नहीं तो आप यूज़ नहीं करना चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट टू यूज अदर्स थिंग्स, आपको यूज़ करना है, यू शुड टेक देयर परमिशन, परमिशन के बाद आपको यूज़ कर सकते हैं। लेट अस रिमेंबर एवरीबडी लव्स ऑनेस्ट चिल्ड्रेन, ईमानदार और अच्छे बच्चों को सब प्यार करते हैं। एक्सरसाइज, रीड द फॉलोइंग एंड से वॉट यू वुड डू इन ईच सिचुएशन एंड टिक फॉर द करेक्ट आंसर, आपको नीचे का सेंटेंस रीड करके उसमें करेक्ट आंसर में टिक मार्क करना है। फर्स्ट, इट इज गीदास बर्थडे, गीता का बर्थडे, शी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग टू चॉकलेट्स टू ईच पर्सन, एक एक को दो दो चॉकलेट दे रहे हैं। अनोइंगली शी ड्रॉप्स, अनोइंगली मीन्स गलती से, शी ड्रॉप्स थ्री चॉकलेट्स इन टू यूर हैंड्स, आपका हाथ में तीन चॉकलेट आ गया। वॉट विल यू डू, आप लोग क्या करेंगे, आई विल ईट ऑल थ्री, मैं तीनों खाऊंगा। सेकेंड आंसर, आई विल गिव वन चॉकलेट बैक टू गीता, उसमें से एक मैं वापस दे दूंगा, फिर गीता को बोलूंगा मेरे पास गलती से तीन आ गया, एक वापस ले लो। देन विच विल बी द करेक्ट आंसर, सेकेंड वन, आई विल गिव वन चॉकलेट बैक टू गीता, यू हैव टू पुट ए टिक मार्क हियर, सेकेंड वन। देन सेकेंड, यू फाइंड आउट ए लॉस्ट आर्टिकल लाइंग ऑन द ग्राउंड इन स्कूल, वॉट विल यू डू, आपको स्कूल ग्राउंड में से एक चीज मिला, आई विल कीप इट फॉर माई सेल्फ, मैं रखूँगा, आई विल हैंड इट ओवर टू टीचर और द प्रिंसिपल, टीचर को और नहीं तो प्रिंसिपल को दे दूंगा। विच विल बी द करेक्ट आंसर, सेकेंड वन, दूसरों को चीज़ ग्राउंड में से मिले तो हमारे पास नहीं रखना चाहिए, आई विल हैंड इट ओवर टू द टीचर और द प्रिंसिपल, पुट ए टिक मार्क द सेकेंड वन। थर्ड, इफ आई वॉन्ट टू यूज अदर्स थिंग्स वॉट विल यू डू, तो हमको दूसरों को चीज़ यूज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट आंसर, आई विल टेक देयर परमिशन, लोगों परमिशन ले लूँगा। सेकेंड, आई विल यूज इट विदाउट टेकिंग परमिशन, फर्स्ट आंसर, आई विल टेक द परमिशन, यूज करने से पहले मैं परमिशन ले लूँगा। सेकेंड, आई विल यूज इट विदाउट टेकिंग परमिशन, मैं पूछे नहीं जाऊँगा, इसे यूज़ करूँगा। विच विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट वन, हैव टू पुट अ टिक मार्क हियर, फर्स्ट वन, आई विल टेक द परमिशन। देन फोर्थ वन, आफ्टर एग्जाम्स यू गोट द मार्क्स रिटन इन योर हैंडबुक, एग्जाम के बाद आपको हैंडबुक में रिजल्ट आया, मार्क आया, यू हैव फेल्ड इन टू सब्जेक्ट, आप दो सब्जेक्ट में फेल हो गया। इफ योर फादर कम्स टू नो दैट यू हैव फेल्ड इन द एग्जाम, ही विल स्कोल्ड यू, आपका पापा का पता चलेगा आप दो सब्जेक्ट में फेल हो गया तो पापा क्या करेंगे, डांटेंगे। यू आर अफ्रेड ऑफ योर फादर, पापा को डर के आप लोग क्या करेंगे, वाट विल यू डू, आई विल चेंज द मार्क्स इन माई हैंड बुक,
मैं हैंडबुक में मार्क्स चेंज करूँगा. आई विल शो द मार्क्स आई गोट टू माई डैड एंड विल टेल हिम दैट आई विल पास नेक्स्ट टाइम. फर्स्ट आंसर क्या है? आई विल चेंज द मार्क्स इन माई हैंडबुक. मैं पापा को हैंडबुक में मार्क्स चेंज करके दिखाऊंगा. सेकेंड वन, आई विल शो द मार्क्स आई गोट टू माई डैड एंड विल टेल हिम दैट आई विल पास नेक्स्ट टाइम. जो मार्क्स मुझे मिला वो पापा को दिखा के बोलेगा, पापा इस दे मैं फेल हो गया, नेक्स्ट टाइम आई विल पास नेक्स्ट टाइम. विच विल बी द करेक्ट आंसर? सेकेंड वन, आई विल शो द मार्क्स आई गोट टू माई डैड एंड विल टेल हिम दैट आई विल पास नेक्स्ट टाइम. Then put a tick mark in second one. Dear children, you read the lesson properly, then do the exercise in your MSc textbook. Thank you, children. Have a nice day.